तो व्यूअर्स, ये हाल है यहाँ पाकिस्तान का। जैसे पहले आते हुए पेशन मूवर ने जिस तरह किया था, अब मैंने सोचा कि इस तरफ से जो ना कायनात ट्रेवल। तो व्यूअर फाइनली तो मैं कराची पहुंच गया अल्लाह अल्लाह करके। अगर आप लोग मेरी व्लॉग देख रहे हो तो इस बकवास सर्विस से जो है ना, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर व्लॉग्स। और ये बहरिया टाउन में ऑल पिंडी है, यहाँ पर हमने रात गुजारा कज़न के साथ। और अभी जो है ना वापसी करेंगे, क्योंकि आज शायद आज हमारा कराची का जाना हो, तो फिर इंशाल्लाह आज हम लोग जाएंगे कराची की तरफ। तो न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप लोग बाखबर रहें। तो व्यूअर यहाँ से मैं रवाना हूँ, कज़न करीमुल्ला मेरे साथ है, यहाँ से रवाना होते सही है। अभी जाऊँगा दोबारा रावलपिंडी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से टिकट मैंने करवाया है और वापस जाएंगे कराची। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता के लिए, नाश्ते के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया अपने ड्यूटी में से। तो चलो हम लोग चलते हैं, मामा आया है हमारा एंड्राइव। रावलपिंडी सदर में हूँ और यहाँ से भी कुछ देर बाद मैं जा रहा हूँ सिक्स रोड, वहाँ पर लगेज वगैरह मेरा पड़ा है वो उठाऊँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा कराची के लिए निकलूँगा। Later. तो चलो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह आप लोगों को मिस करूंगा जिंदगी रहे तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अलग सलाम होगा, अलग थैंक यू इजाजा माशाल्लाह। थैंक यू। तो व्यूअर्स गाड़ी हमारी आ गई है और ये लोग बस मुझे ड्रॉप करने के लिए आए हैं। थैंक यू इजाज़। थैंक यू। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह। तो व्यूअर्स मैंने बदकिस्मती से कायनात ट्रेवल में टिकट बुक कराया था, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा जलील किया। पहले इसने मुझे फिर वदाई रावलपिंडी का बताया कि यहाँ पर आपने हेड ऑफिस पहुँचना है। मैं वहाँ पर टाइम से पहुँचे तो बोले गाड़ी निकल गई है। जब मैं उसने बोला कि आपने जो ना आगे टर्मिनल है उसमें जाना है, जब मैं उधर ही भी पहुँच गया तो वहाँ पर बताया कि गाड़ी यहाँ से भी निकला है और आपने आगे जो पेशावर वाला मोड़ है ये मोटरवे पे, वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ गाड़ी आपकी वेट कर रही है। मैंने 1500 रुपये का एंड ड्राइव किया और इसकी पीछे पीछे जो है जलील हो के भाग रहा हूँ और भाई साहब गाड़ी रुक नहीं रही है। अल्लाह अल्लाह करके मैं गाड़ी में पहुँच गया। तो व्यूअर्स ये हाल है यहाँ पाकिस्तान का। जैसे पहले आते हुए पेशन मूवर ने जिस तरह किया था, अब मैंने सोचा कि इस तरफ से जो ना कायनात ट्रेवल में जाऊँगा तो ये थोड़ा बेहतर लगेगा। तो अब इसका भी यही हाल है, पूरा इस्लामाबाद में घुमा रहे कि उधर चले जाओ इधर चले जाओ और टाइम पे पहुंच के भी यही जलील हो रहे। ये हाल है इन लोगों का, तो इनका कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का, बस ऐसा ही रहेगा। तो भी और फाइनली मैं यहाँ से जलील होके कायनात ट्रेवल में रवाना हो गया। तो भी और बस उधर खड़ा है और रात के तकरीबन 1-2 बज रहा है, खाना भी बस की तरफ से दिया जा रहा है। ये है गुजरा इलाका, गुजरा मुल्तान के करीब है। तो व्यूअर अभी हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं और हमने अपने लिए कुछ चीज़ें भी ली है शॉप में, गुजरा में इसका हम लोग है। The next day. तो व्यूअर सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग जो है ना उतरे हुए हैं, पता नहीं जगह का पता तो नहीं है, पर अभी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो व्यूअर नमाज हमने पढ़ ली है और अभी वापस हम लोग थोड़ी बहुत धूल भी थी ना,
1 hour later. तो व्यूअर्स, नाश्ता कंपनी की तरफ से दिया गया, नॉट बैड, इतना बुरा नहीं था, अच्छा था। और अभी हम लोग रवाना हो रहे हैं। तो अभी लाड़काना में हम लोग हैं और यहाँ से अभी कुछ ही देर में हम लोग रवाना हो रहे हैं। नाश्ता कंपनी की तरफ से दिया गया, बहुत ही ज़बरदस्त था, नॉट बैड। तो इस तरह जो ना होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की नाश्ता देना चाहिए इन लोगों को, ना कि जो ना फिर ये जो रेड कलर की बस आप लोगों को नज़र आ रही है, ये पीपल बस सर्विस है जो पीपीपी वालों ने सन में शुरू किया है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोगों को इस तरह की फैसिलिटी देना चाहिए। ये हर मोड़ पे और हर स्टॉप पे जो है ना मैंने देखे है रास्ते में, तो अच्छी बात है, इस तरह की चीज़ होना चाहिए। हम लोग हैदराबाद में नमाज़ के लिए खड़े हो गए, नमाज करते हैं, नमाज के बाद यहाँ से फिर हम जाएँगे। हम लोग अभी इस वक्त हैदराबाद में है और इसके बाद हम लोग निकलेंगे कराची के जाने में। तो व्यूअर्स, स्काईनाट ट्रेवल सर्विस ने मुझे बहुत ही जलील किया, मुझे जिस स्टॉप पर उतरना था उधर नहीं उतारा। ये साहब कह रहे थे कि हमारा रूल है कि हम अपने टर्मिनल पे लोगों को उतारेंगे, और वहां से फिर मैंने जो ना 700 रुपए का ऊबर करा के अपने घर पहुंच गया। तो व्यूअर, फाइनली तो मैं कराची पहुंच गया, अल्लाह अल्लाह करके। अगर आप लोग मेरी व्लॉग देख रहे हो तो इस बकवास सर्विस से जो है ना मैं नहीं आना, मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि इस सर्विस में नहीं आने आप लोगों ने, क्योंकि मुझे तो बहुत जलील किया। तो आप लोग भी जो ना जलाल से बच जाओगे। तो व्यूअर, फाइनली मैं पहुंच गया सुराबगोट टर्मिनल, और यहां पर मैं अपना लगेज वगैरह सारा सामान उतार दिया और अभी मैं जाऊंगा यहां से घर। तो उम्मीद है आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ा रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।